हेलो एवरीवन वेलकम टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन सोशोलॉजी सीरीज ऑफ माइग्नेट ब्रेन्स मैं हूं सलोनी पांडे और आज के मेरे सरप्राइज बॉक्स में से जो टर्म निकल के आया है वो है व्हाट इज फंक्शनलिज्म अच्छा आपने अपने 11, ट्वेल्थ में एंड इवन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अक्सर आपने सोशोलॉजी में फंक्शनलिज्म टर्म सुना होगा या फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या होता है या फिर फंक्शनलिस्ट थ्योरी क्या है या फंक्शनलिज्म किसी एक सोशल फिनमिना के बारे में क्या कहता है आपने ये चीज पढ़ी होगी अब ये फंक्शनलिज्म पर होता क्या है ये अपन आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है आप बहुत ही जल्दी इसको समझ जाएंगे ओके सो लेट्स बिगिन फंक्शनलिज्म थ्योरी अगर मैं सिर्फ इस टर्म से मैं सिर्फ इस टर्म से आपसे पूछूं कि ये टर्म देख के आपको क्या लगता है फंक्शनलिज्म अगर इसको हम तोड़ दें इस वर्ड को अगर हम डिवाइड कर दें तो फंक्शन हमको जो है एक वर्ड दिखाई दे रहा है फंक्शन करना मतलब क्या होता है या फंक्शन क्या होता है मतलब कोई वर्क परफॉर्म हो रहा है या कोई एक्टिविटी हो रही है तो यहाँ पर किसी एक आइडियोलॉजी या फिर एक थ्योरी की बात हो रही होती है ये यानी कि ये एक आइडियोलॉजी बन जाती है तो फंक्शनलिज्म आइडियोलॉजी या फंक्शनलिज्म थ्योरी क्या कहती है ये अपन पढ़ते हैं functionalism theory is based on the premise that all aspects of a society that all aspects of a society institutions roles norms etc serve a purpose and दैट ऑल आर इनडिस्पेंसेबल फॉर द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ द सोसाइटी यानी कि अगर आप इस डेफिनेशन को रीड करेंगे तो आपको इसमें कुछ टर्म्स दिख रहे होंगे जैसा कि हमेशा मेरी आदत है मैं डेफिनेशन में से कुछ टर्म्स को निकाल के फिर आपको मीनिंग बताती हूँ तो फंक्शनलिज्म थ्योरी इस चीज पर बेस्ड है या ये कहती है कि जितने भी आस्पेक्ट्स हैं सोसाइटी के सोसाइटी के अंदर जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं चाहे फिर वो इंडिविजुअल्स हो इंस्टीट्यूशन हों रोल्स हो नॉर्म्स होंक्सेट्रा एक्सेट्रा यानी कि जो भी चीजें सोसाइटी के अंदर हो रही है इंडिविजुअल्स रह रहे हैं उनसे मिलके कुछ इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं फैमिली मैरिज किनशिप पॉलिटी इकोनॉमिक्स रिलीजन कुछ सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं बिलीफ्स होते हैं कल्चर होता है रोल्स होते हैं समाज में आपके अपने अपने रोल्स होते हैं तो ये सारी जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं सोसाइटी के सर्व अ पर्पस इन सभी का एक पर्पस है एक उद्देश्य है इनका मतलब इनकी जो भी ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं जो भी काम ये कर रहे हैं इनका एक पर्पस है एंड दट ऑल आर इनडिसबल फॉर द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ द सोसाइटी और ये सभी ये सभी जितने भी आस्पेक्ट हैं सोसाइटी के ये सभी सोसाइटी के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ठीक है सोसाइटी के जितने भी आस्पेक्ट हैं जितने भी आस्पेक्ट हैं उन सभी का अपना एक पर्पस है जिसके थ्रू वो एक्टिविटी कर रहे हैं फंक्शन कर रहे हैं और इनकी फंक्शनिंग इनकी एक्टिविटी इनके प्रोसेसेस सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इट व्यूज सोसाइटी एज अ कॉम्प्लेक्स बट ऑर्डरली एंड स्टेबल सिस्टम विथ इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस और सोशल पैटर्न्स। ये सोसाइटी को कैसे देखता है सोसाइटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है क्यों है कॉम्प्लेक्स क्योंकि सोसाइटी के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं सोसाइटी के अंदर बहुत सारे नॉर्म्स हैं वैल्यूज हैं प्रैक्टिस हैं बिलीव हैं इंस्टीट्यूशन हैं बहुत सारी चीजें हैं सोसाइटी के अंदर तो सोसाइटी कैसी है कॉम्प्लेक्स है लेकिन जो सोसाइटी का सिस्टम है जिस तरीके से सोसाइटी वर्क करती है उसकी वजह से स्टेबल सिस्टम सोसाइटी के अंदर है यानी कि अगर आप स्ट्रक्चर देखो सोसाइटी का तो बहुत कॉम्प्लेक्स है लेकिन जिस तरीके से वो स्ट्रक्चर फंक्शन कर रहा है तो स्मूथ फंक्शनिंग हो रही है या जो सिस्टम है वो स्टेबल है और एक ऑर्डर में सारी चीजें काम कर रही हैं विथ इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर्स और जो भी आस्पेक्ट हैं सोसाइटी के जो वर्क कर रहे हैं फंक्शन कर रहे हैं वो सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं वो सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं इंटरलिंक्ड हैं आपस में जुड़े हुए हैं एंड फंक्शंस और सोशल पैटर्न्स दैट ऑपरेट टू मीट द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी सोसाइटी कैसी कॉम्प्लेक्स है? है लेकिन वो स्टेबल सिस्टम में वर्क कर रही है सिस्टम स्टेबल है स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है ठीक है ध्यान से सुनना जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स है लेकिन स्टेबल सिस्टम है सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और फंक्शन कर रहे हैं और ये जो भी फंक्शन कर रहे हैं उससे इंडिविजुअल की नीड सोसाइटी में फुलफिल हो रही है ठीक है यानी कि फंक्शनलिज्म थ्योरी क्या है कि सोसाइटी के जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं वो सभी फंक्शन करते हैं वो सभी ऑपरेट होते हैं क्युं? क्यों क्योंकि वो सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल कर, कर पाए एंड अल्टीमेटली जो भी सोसाइटी है वो सर्वाइव कर पाए इन लॉन्ग टर्म क्लियर है फंक्शनलिज्म थ्योरी क्या है कि जो भी फंक्शन होता है वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी की नीड्स और सरवाइवल को फुलफिल करने के लिए आई होप आपको मीनिंग अभी क्लियर होगा कि फंक्शनलिज्म या फंक्शनलिस्ट थ्योरी क्या है एक इसको अपन डायग्राम के थ्रू समझते हैं देखो ये जस्ट सपोज एक पर्सन है ठीक है अभी ऐसे ही पर्सन अपन मान लेते हैं ये एक पर्सन है अब ये जो पर्सन है ये फंक्शन करता है हम हम इंडिविजुअल्स हैं हम सभी फंक्शन करते हैं अगर आप फंक्शनलिज्म को इससे जोड़ के देखो तो आप क्या देखोगे ये जो पर्सन है इसके पास में दो हैंड्स हैं टू हैंड्स हैं इसके भैया देखो इसके हैंड्स हैं अगर इसके पास में हैंड्स नहीं होंगे तो ये कोई काम नहीं कर पाएगा ये खुद अपना काम भी नहीं कर पाएगा ठीक है अगर इसके पास में हैंड्स नहीं होंगे तो ये कोई काम नहीं कर पाएगा इसके पास में आईज नहीं होंगी तो ये कुछ भी नहीं देख पाएगा ठीक है ये कुछ भी नहीं देख पाएगा इसके पास में नोज़ नहीं होगी तो ये कुछ भी स्मेल नहीं कर पाएगा इसके पास में माउथ नहीं होगा तो ये कुछ भी खा नहीं पाएगा ठीक है इसके पास में लेग्स नहीं होंगे तो ये खड़ा भी नहीं हो पाएगा ठीक है ये स्टैंड स्टिल भी नहीं हो पाएगा ना ही ये वॉक कर पाएगा ना ही ये चल पाएगा अगर इसके पास में स्टमक नहीं होगा तो इसने जो भी खाया है जो भी इसने फूड कंज्यूम किया है, इसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो इसके खाने का भी कोई मतलब नहीं हुआ ठीक है अब अगर ये जो आपकी फूड पाइप होती है अगर बॉडी में ये नहीं होगी तो जो भी खाना खाया है वो स्टमक में नहीं आ पाएगा स्टमक में नहीं आएगा तो डाइजेस्ट नहीं होगा डाइजेस्ट नहीं होगा खाना नहीं मिलेगा तो पूरी की पूरी बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगी ठीक है इसका मतलब क्या है कि ये जो पर्सन है इसका मतलब ये है कि ये जो पर्सन है इसकी जो बॉडी फंक्शन कर रही है ये जो सरवाइव कर पा रहा है तो ये कैसे कर पा रहा है क्योंकि इसकी जितनी भी नीड्स हैं इसकी जितनी भी नीड्स हैं वो फुलफिल हो पा रही है इसकी नीड्स कैसे फुलफिल हो पा रही हैं क्योंकि इसकी बॉडी का हर एक पार्ट फंक्शन कर रहा है अगर इसकी बॉडी का हर एक पार्ट फंक्शन नहीं करेगा तो ये फंक्शन नहीं कर पाएगा तो ये जो इंडिविजुअल है ये फंक्शन नहीं कर पाएगा इसकी जो नीड्स होंगी वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगी और फिर इसके रहने का कोई मतलब नहीं होगा ये एक दिन खत्म हो जाएगा ये इंडिविजुअल एक दिन खत्म हो जाएगा ठीक है तो कैसे ये इंडिविजुअल के सारे पार्ट्स एक दूसरे से क्या है क्या है इसके सारे पार्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड इस इंडिविजुअल के सभी पार्ट्स एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है इसकी बॉडी फंक्शन करती है और इसकी बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी का एक पर्पस है यानी कि जो उसके हैंड्स हैं वो काम करने के लिए जरूरी है जो उसके लेग्स हैं वो वॉकिंग के लिए जरूरी है यानी हर एक पार्ट का एक पर्पस है हर एक पार्ट फंक्शन करता है हर एक पार्ट इंटरकनेक्टेड है जब ये फंक्शन करते हैं तब उस इंडिविजुअल की नीड्स सेटिस्फाई होती हैं एंड अल्टीमेटली वो सरवाइव कर पाता है वैसे ही सोसाइटी में जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सोसाइटी के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं सोसाइटी के अंदर जितने भी नॉर्म्स वैल्यूज बिलीफ्स कल्चर प्रैक्टिसेस ट्रेडिशंस जितनी भी चीजें हैं जिन्हें आप स्टडी करते हो सोशियोलॉजी के अंदर जब वो सभी का एक पर्पस होता है देन वो सभी फंक्शन करते हैं एंड वो सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं जब वो फंक्शन करते हैं एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होते हैं वो सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल कर पाते हैं वो सोसाइटी के नीड्स को फुलफिल कर पाते हैं अल्टीमेटली सोसाइटी सरवाइव कर पाती है फॉर लॉन्ग टर्म क्लियर है एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा तो ये सारी चीजें क्या हो रही है ये लोग क्या कर रहे हैं ये लोग सब फंक्शन कर रहे हैं ये सभी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं अब जस्ट सपोज फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन है ठीक है फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन है अगर हम कहें तो फैमिली हमारी पर्सनल स्फीयर में आती है अगर हम देखें तो फैमिली हमारी पर्सनल स्फीयर में आती है हमारी अपनी पर्सनल लाइफ है फैमिली जो होती है हमारी पर्सनल लाइफ है लेकिन फैमिली कैसे बनती है जब टू इंडिविजुअल्स के बीच में मैरिज होती है तो फैमिली बनती है फैमिली से लव सपोर्ट मतलब मैरिज के थ्रू लव सपोर्ट सारी चीजें होती हैं, तो फैमिली होती है रिप्रोडक्शन तो होता है फैमिली बनती है फैमिली हमारी इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई करती है लेकिन क्या सिर्फ हमारी इमोशनल नीड्स जो है सिर्फ उसी के लिए फैमिली होती है कि हमारी इमोशनल नीड्स जो सेटिस्फाई करेगा वो हमारी फैमिली हो जाएगी जो हमारे लिए सपोर्ट होगा जिसके पास में हम थक हार के जा पाएंगे वो हमारी फैमिली क्या सिर्फ इतना ही रोल होता है नहीं जो फैमिली में जो भी लोग होते हैं जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी अपनी अपनी इकोनॉमिक नीड्स होती है यानी उनकी इकोनॉमिक लाइफ होती है जिसको फैमिली मिलके सेटिस्फाई करती है ठीक है घर में कोई होते हैं ना जो अर्निंग करते हैं जो कुछ कमाते हैं जिससे फैमिली की जितनी भी नीड्स होती हैं इकोनॉमिक नीड्स होती हैं वो फुलफिल हो पाती हैं तो यानी कि क्या होता है सोसाइटी अल्टीमेटली फंक्शन करती है तो इस तरीके से फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह वर्क करता है ठीक है तो यानी कि जब ये वर्क करेगा तब यहाँ पर फैमिली की नीड्स फुलफिल होंगी और अल्टीमेटली फैमिली सोसाइटी का पार्ट है एक सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह वर्क करता है जहां पर बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है एक पर्सन का सोशलाइजेशन भी सोसाइटी के अंदर ही होता है यानी उसको सामाजिक व्यक्ति भी फैमिली ही बनाती है तो फैमिली भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन अपन ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं अपने सोशल इंस्टीट्यूशंस वाले चैप्टर में तो देखो फैमिली क्या करती है आपकी सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करती है एंड अल्टीमेटली सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होती है अब अगर अपन इकोनॉमिक्स में देखें इकोनॉमिक्स में क्या होता है सभी इंडिविजुअल्स ग्रुप्स वर्क कर रहे होते हैं चाहे फिर वो अर्न करें इनकम के फॉर्म में मतलब मनी के फॉर्म में हो या चाहे वो मनी के फॉर्म में नहीं हो वो सर्विसेज के फॉर्म में हो सभी वर्क कर रहे होते हैं वर्क कैसा हो रहा होता है इकोनॉमी के अंदर अगर बहुत बहुत जनरल लेवल पे बात करें प्रोडक्शन हो रहा होता है गुड्स एंड सर्विसेज का कुछ प्रोडक्शन होता है उनका फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो प्रोडक्शन हुआ है जो प्रोड्यूस हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा मार्केट में आएगा फिर उसे आप और हम जैसे लोग कंज्यूम करेंगे यानी कि कंजम्पशन होगा इन थ्री एक्टिविटीज से हम इकोनोमी को समझते हैं कुछ लोग कुछ लोग सोसाइटी के कुछ लोग प्रोडक्शन कर रहे होते हैं सपोज चार लोग हैं प्रोडक्शन कर रहे हैं इन चार के अलावा और चार लोग हैं जो इस प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फिर इनके अलावा कुछ दस लोग हैं जो इस प्रोडक्शन को कंज्यूम करते हैं ठीक है ये चीज होती है प्रोडक्शन होता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंजम्पशन होता है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं कंज्यूम वो भी करते हैं लेकिन यानी कि मैं आपको ये चीज बताना चाह रही हूं कि ये सारी एक्टिविटीज में हम किसी की नीड्स को सेटिस्फाई करें हम जो प्रोड्यूस करते हैं हम जो प्रोडक्शन करते हैं वो किसी और की नीड होती है फिर वो कोई और जो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं वो किसी थर्ड पर्सन की नीड होती है फिर शायद वो जो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं वो हमारी नीड होती है यानी कि पूरी की पूरी एक दूसरे पर इकोनॉमी इंटर डिपेंडेंट होती है सपोज आप हो सपोज एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं आप हो आपकी अपनी डेली की नीड्स हैं सपोज आपको मैगी खाना है तो क्या आप फैक्ट्री में जाओगे मैगी बनाओगे और उसे घर लेके आओगे और फैक्ट्री में जाओगे भी तो क्या वो फैक्ट्री आपकी होगी ऐसा नहीं होता क्या होता है प्रोडक्शन होगा मैगी का वो मार्केट में आएगी होलसेलर लेगा होलसेलर से रिटेलर के पास में आएगी आप जाके रिटेलर से परचेस करोगे अब वो जो मैगी का प्रोडक्शन कर रहा है क्या उसने सिर्फ आपके लिए मैगी का प्रोडक्शन किया उसने तो सबके लिए मैगी का प्रोडक्शन किया जी जिसकी भी नीड्स थी उन सभी ने उनको परचेस किया अब वो जो प्रोडक्शन कर रहा है शायद उसकी नीड है पैसा कमाना आप उसका प्रोडक्ट खरीद खरीद रहे हो उसके पास में प्रॉफिट जा रहा है यानी उसकी नीड सेटिस्फाई हो रही है तो यहां पर यह चीज है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी एक दूसरे पर इंटर डिपेंडेंट है मैगी आप कब खरीद पाओगे जब आपके पास में पैसे होंगे पैसे कहां से आएंगे जब आप कोई वर्क करोगे तो क्या हो रहा है इकोनॉमिक इंटर क्या चीज हो रही है ये तो हो गई इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस लेकिन ऐसी ही पूरी की पूरी जो सोसाइटी होती है पूरा का पूरा जो समाज होता है वो भी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होता है चाहे रिलीजन हो चाहे कल्चर हो चाहे इकोनॉमी हो पॉलिटी हो फैमिली हो किनशिप हो रूल्स हो नॉर्म्स हो कोई भी चीज़ हो हम सभी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं समाज के अंदर और कैसे इंटरडिपेंडेंट है क्योंकि सोसाइटी फंक्शन कर रही है सोसाइटी वर्क कर रही है सोसाइटी के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी नॉर्म्स हैं बिलीव्स हैं, सभी एक दूसरे के साथ में फंक्शन कर रहे हैं इसीलिए सोसाइटी एक दूसरे के साथ में इंटरडिपेंडेंट है और यह होता है फंक्शनलिज्म जहां पर फंक्शन हो रहा है जहां पर वर्क हो रहा है जिसमें सभी पार्ट्स एक दूसरे से सोसाइटी के इंटरकनेक्टेड हैं और सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल किया जा रहा है और वो सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा फंक्शनलिज्म का देन द अप्रोच गेंड इंपॉर्टेंस और प्रोमिनेंस इन द वर्क ऑफ नाइनटींथ सेंचुरी सोशोलॉजिस्ट पर्टिकुलरली दोज हु व्यूड सोसाइटी एज फंक्शनलिज्म की थ्योरी है ये नाइनटीन सेंचुरी के टाइम के जो सोशोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसकी जो है प्रोमिनेंस को इसके इम्पोर्टेंस को समझा एंड वो उन्होंने किन लोगों ने इसको समझा कौन से वो सोशोलॉजिस्ट थे जिन्होंने फंक्शनलिज्म को इंपॉर्टेंस दी जो ये समझते थे कि सोसाइटी एज ऑर्गेनिज्म यानी कि सोसाइटी ऑर्गेनिज्म की तरह वर्क करती है जैसे अपनी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं जितने भी पार्ट्स हैं वो सभी फंक्शन करते हैं सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है आप अगर अपने माउथ से फूड कंज्यूम नहीं करोगे वो फूड पाइप से स्टमक में नहीं जाएगा वहां से डाइजेस्ट हो आपकी पूरी बॉडी में नहीं लगेगा तो आपकी बॉडी फंक्शन नहीं करेगी वैसे ही सोसाइटी के भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब तक वो फंक्शन नहीं करेंगे वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे तो सोसाइटी फंक्शन नहीं करेगी और सोसाइटी सर्वाइव नहीं कर पाएगी सो so, इमाइल डर की इमाइल डर की मार्ग्यूड दैट इट वॉज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ सोशल ऑर्गेनिज्म टू विच सोशल फिनमिना करस्पोंड यानी कि जो भी सोशल फिनोमिना जो भी वर्क कर रहा है वो सोसाइटी की कौन सी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है या जब आप समाज की नीड्स को समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमको कैसे फंक्शनिंग या कैसी एक्टिविटी की सोसाइटी के अंदर जरूरत है जस्ट सपोज जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए वर्क कर रहे होते हैं तो यानी कि कोई भी सोशल फिनमिना जो सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल कर रहा है हमको उसको समझने की जरूरत है ऐसा इमाइल डरम कहते हैं सोशल सिस्टम इज अज्यूम्ड टू हैव अ फंक्शनल यूनिटी एक सोशल सिस्टम के अंदर फंक्शनल यूनिटी होना बहुत जरूरी है इन विच ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम वर्क विद विथ डिग्री ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी यानी कि एक जो समाज है एक जो पूरा सोसाइटी का सिस्टम है एक जो पूरा स्ट्रक्चर है सोसाइटी का उसके बीच में फंक्शनल यूनिट होना बहुत जरूरी है फंक्शनल यूनिटी होना बहुत जरूरी है यानी कि सभी की जो एक्टिविटीज हैं सभी इंस्टीट्यूशन की सभी सोशल की जो भी एक्टिविटीज हैं जो भी फंक्शन हैं वो सभी आपर में आपस में इंटरकनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ में यूनिफाइड हो जिसकी वजह से वो साथ में काम कर पाए और उनके बीच में इंटरनल कंसिस्टेंसी हो सभी की आपस में एक दूसरे की समझ हो कोई भी किसी के साथ कंफ्लिक्ट नहीं कर रहा हो किसी के काम के बीच में नहीं आ रहा हो लेकिन सभी एक दूसरे के लिए मतलब सहयोग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं अगर ऐसा फंक्शनिंग होगी किसी सोसाइटी के अंदर किसी समाज के अंदर तो वो सोसाइटी सरवाइव कर पाएगी वो सोसाइटी फंक्शन कर पाएगी जैसे कि हमारे फेथ हैं। हमारे रिचुअल्स हैं ठीक है हमारा फेथ हम किसी चीज़ में यकीन करते हैं हमारे रिचुअल्स हमारे धार्मिक अनुष्ठान हमारी इकोनमी हमारी फैमिली हमारी एजुकेशन सभी आपस में एक साथ में काम कर रहे होते हैं जैसे हम हैं हम जो है हम पढ़ाई भी करते हैं हम एजुकेशन भी ले रहे हैं हमारे घर पे जो हमारे पेरेंट्स हैं वो शायद अर्निंग भी कर रहे होते हैं तो वो उनकी इकोनॉमिक लाइफ भी होती हमारी भी है फिर हमारी अपनी पॉलिटिकल लाइफ भी है जिससे हम इंपेक्ट होते रहते हैं जो हमारी लाइफ में इन्फ्लुएंस करता रहता है इन सभी के साथ में जब हमारी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी बनी रहेगी तो जब सब इंडिविजुअल्स की लाइफ में स्टेबिलिटी होगी सोसाइटी में स्टेबिलिटी होगी सोसाइटी की नीड्स फुलफिल होंगी अल्टीमेटली सोसाइटी सरवाइव कर पाएगी यही फंक्शनलिज्म या फंक्शनलिस्ट थ्योरी कहती है यानी कि सोसाइटी को सरवाइव करने के लिए उसकी नीड्स को समझना जरूरी है और उसके नीड्स के अकॉर्डिंग सोसाइटी को फंक्शन करना भी जरूरी है दिस इज ऑल अबाउट फंक्शनलिज्म ओके आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू कि फंक्शनलिज्म क्या होता है क्या फंक्शनलिज्म की थ्योरी है एंड किस सोशियोलॉजिस्ट ने इसको स्टार्ट किया यहाँ पर हम इमाइल डरकीम को स्पेसिफिकली स्टडी करते हैं